उत्तरकाशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डीएम ने ऐतिहासिक कार्यों को धरातल में उतारने की कवायद शुरू की है, जिसके तहत जिला सभागार में जिला पर्यटन विभाग की तत्वाधान में एमटीबी हिमालय की ओर से बेसिक साइकिलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत और डीएम ने शुभारंभ किया। ऑलरेडी यूटीडी भी इस पे 2-3 साल से जो उनका एक अच्छा इवेंट चल रहा है, वो कैलेंडर इवेंट के तौर पे स्टैब्लिश हो चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे जाने के चांसेस हैं उसके, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कई सारे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसका जो स्ट्रेच छूटा हुआ है गंगोत्री से उत्तरकाशी तक के बीच का या जादौंग निलोंग के आसपास के एरिया, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे उन एरिया में जो कि अनटच्ड है, वहाँ पे साइकिलिंग को कैसे प्रमोट किया जा सके और उत्तरकाशी में साइकिलिंग कल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, ताकि आने वाले जो टूरिस्ट हैं टूरिस्ट के सामने हम एक और एवेन्यू रख सकें या उनको एक और अट्रैक्शन दे सकें, ताकि वो इस पूरी की पूरी वैली को और एक्सप्लोर कर सकें। यहाँ पर जो है जो अपने साइकिलिंग के जो रुचि जो नौजवान रखते हैं उनके लिए जो आज जो है बेसिक साइकिल प्रशिक्षण का कार्यक्रम 5 दिवसीय यहाँ पर शुरुआत की गई है, और उसके बाद जो है ये लोग जो है हरसिल से गंगोत्री तक जो है उसका जो है वहाँ पर जो उसका प्रशिक्षण लेंगे, और इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा जो है यहाँ पर ट्रेकिंग के बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं जो हमारे नौजवानों को जो है रोज़गार दे सकती है, क्योंकि गौमुख के पास जो लाल ताल है वो पिछली बार जो है वो टूट गया था, जिससे कि गौमुख के ऊपर जो है आना जाना जो है बंद हो गया था, और हम भी चाहते हैं कि गौमुख के ऊपर जो है आवाजाही जो है कम हो। आपको बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 20 युवाओं को 5 दिनों तक मनेरा स्टेडियम में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो दक्ष होकर 13 अप्रैल को हर्सिल से गंगोत्री के लिए साइकिलिंग करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।